हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों के। देखिए डॉट पेन रजिस्टर निकाले आप लोग, क्यों? क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नीट के दृष्टिकोण से तो है ही टॉपिक महत्वपूर्ण, लेकिन ट्वेल्थ के हर स्टेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुना होगा, टू प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाना। प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस इन द सेंस है कि न्यूक्लियस के चारों, आप लोगों को एक आइडियल डायग्राम में बना देता हूं फिलहाल, इससे अभी इसको कोई मतलब उतारे ना, कोई मतलब नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में इस प्रकार से डीएनए डले हुए रहते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो स्वाभाविक है कि आप और हम लोग चर्चा कर रहे हैं डीएनए पैकेजिंग पर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी डीएनए पैकेजिंग पाया जाता है। पहले पैकेजिंग का मतलब आप समझ लेते हैं कि पैकेजिंग का मतलब क्या होता है। कहते हैं ना कि कहीं ट्रिप पर जाते, घूमने जाते, कि कहते हैं अपना सामान पैक कर लो। तो सामान पैक का मतलब सामान बांध लो, किसी में अटैची में बांध लो या किसी अन्य मतलब जो बांधने वाली सामग्री उसमें मतलब रख लो, तो उसको कह देते हैं पैकेजिंग। यहाँ डीएनए को किस में बांधा जा रहा है? डीएनए को वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से जो बांधा जा रहा, लपेड़ा जा रहा है डीएनए को, वह प्रोटीन के ऊपर लपेड़ा जा रहा है, रैप किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रोटीन के ऊपर मुख्य रूप से रैप किया जा रहा है। तो जब प्रोटीन के ऊपर उसको रैप किया जा रहा है, तो उसी को क्या कह दिया गया? डीएनए पैकेजिंग कह दिया गया। किस प्रकार से रैप किया जा रहा है? यानी कि ये मान के चलिए, ये देखो, ये जो जाता है ना, तो ये जो है, ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। इस प्रोटीन के ऊपर डीएनए को इस प्रकार से लपेट दिया जाए, इस प्रकार से रैप कर दिया जाए। क्या? ये तो ये दूसरी चीज आपने देखा होगा कि घर में सबके रील रहती है जिस पर धागा लपड़ा रहता है, यानी कि मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि ये एक कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है और इसके ऊपर इस प्रकार से धागा लपड़ा रहता है। लपड़ा रहता है कि नहीं लपड़ा रहता, मतलब एक ही स्थान पर मुख्य रूप से डला रहता है, ये यूं यूं डला रहता है। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से क्या कहलाई? रैप। यानी कि स्वाभाविक है कि जो कागज का टुकड़ा था, जो यहां मैं तुलना कर दूं, वह हिस्टोन प्रोटीन है, वह हिस्टोन प्रोटीन है। और क्या बोलते हैं, जो कागज का टुकड़ा, मैं स्पष्ट लिखे देता हूं, रील में जो कागज का टुकड़ा होता वह हिस्टोन प्रोटीन है। और ये जो धागा होता है, क्या धागा होता है, जिसको थ्रेड कहा जा रहा है, क्या थ्रेड कहा जा रहा है, तो ये जो थ्रेड होता है वह मुख्य रूप से क्या है? डीएनए है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं ना, ये ढील दो ढील दो ढील दो, ये लो पतंग, आ या ये पतंग उड़ रही है, क्या बात है। तो ये जो पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते समय आपने देखा होगा कि वो धागा ढीला जाता है, अपने आप चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है जमीन में डला हुआ। तो वो क्या होता है? लकड़ी की बनी हुई एक चक्की जैसी होती है, जो भी आप कहते हो, क्या चक्की जैसी होती है, उस पर धागा अपने आप निकलता चला जाता है। और जब लपेटते हैं तो मुख्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन घुमाते रहते हैं, तो लपेटता चला जाता है। तो स्वाभाविक है कि लकड़ी का जो बना हुआ भाग है वह प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, और जो धागा है वह डीएनए। तो डीएनए उस पर लपड़ा रहता है, तो इसी को क्या कह देते हैं? डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मुख्य रूप से डीएनए पैकेजिंग पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पैकेजिंग होता है वह वास्तविक तरीके का नहीं होता, ये कह दिया जाए, या जो इसमें प्रोटीन होती है यूकैरियोटिक सेल में, वह प्रोटीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। यानी कि तो फिर क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन इस ग्रुप के द्वारा होता है, ये वाला ग्रुप, इसको एमीन्स ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीन्स ग्रुप कहा जाता है। बहुत सारी एमीन्स मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? पॉली एमीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉली एमीन्स बनाते हैं, और इन पॉली एमीन्स के ऊपर ये थ्रेड मुख्य रूप से रैप रहते हैं, ये थ्रेड मुख्य रूप से रैप रहते हैं। तो उसमें भी डीएनए पैकेजिंग पाई जाती है, लेकिन या ये कह दिया डेवलप टाइप का नहीं है, या एक्चुअल डीएनए पैकेजिंग नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए पैकेजिंग पाया जाता है वह बहुत ही विकसित प्रकार का, या ट्रूली डीएनए पैकेजिंग पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन भाग लेती है। भाई डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को एक साथ मिलाकर डीएनए, देखिए
अभी आप और हम लोग पैकेजिंग पे तो आ ही रहे हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर मुख्य रूप से क्या बना रहे हैं, क्रोमो सोम यानी क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन के धागे बनाते हैं, या क्रोमेटिन के धागे मुख्य रूप से बनाते हैं। ये क्रोमेटिन के धागे ही मुख्य रूप से आपस में लिपटकर डिविजन्स के दौरान मोटे मोटे बना लेते हैं, जिनको क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहा जाता है। तो स्वाभाविक मतलब कहने का मतलब ये है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ही क्रोमोसोम्स कहलाते, गुणसूत्र मुख्य रूप से कहलाते हैं, जो यूकेरियोटिक सेल्स में डेवलप टाइप्स के होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में यह डीएनए फॉर्म में ही पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में चूंकि प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होने से इन द सेंस देख ली, विशेष मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस वजह से इसका डीएनए थ्रेड होता है वह साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म में बिखरा हुआ डला रहता है। तो मैं बात अब आ रहा हूं बिल्कुल क्लियर कट कि डीएनए प्लस हिस्टोन को मिलाकर डीएनए पैकेजिंग कहा जा रहा है, वही स्थिति पर आ रहा हूं, यानी कि अपने को कागज के टुकड़े के ऊपर इस डीएनए को रैप करना है, या लकड़ी की जो चक्री होती है पतंग उड़ाते समय उसके ऊपर मुख्य रूप से रैप करना है धागे को, तो उसी को क्या कह दिया जाएगा, डीएनए पैकेजिंग कह दिया जाएगा। क्लियर? डीएनए पैकेजिंग का जो मुख्य रूप से जो प्रतिपादन किया था, या डीएनए पैकेजिंग के बारे में जो मुख्य रूप से बताया था, कॉर्न वर्ग और थॉमस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1947 में बताया था। क्या? कॉर्न वर्ग और थॉमस नामक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए आपको कंफ्यूज हो जाए बोलने में, कॉर्न वर्ग व थॉमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1947 में मुख्य रूप से बताया बताया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए के अरेंजमेंट को, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए के अरेंजमेंट को ही मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के ऊपर डीएनए का जो अरेंजमेंट होता है, जो विन्यास होता है, वही मुख्य रूप से क्या कहलाता है, डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले कॉर्नबर्ग और थॉमस ने मुख्य रूप से बताया था। पी आउडेट ने, क्या? पी एंड एट ऑल, मतलब इनके साथियों ने, क्या? इनके साथियों ने मुख्य रूप से यह एक मॉडल प्रतिपादित किया था जो इसके लिए था, न्यूक्लियोसोम मॉडल। कौन सा मॉडल था जो न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रतिपादन किया गया था कॉर्नबर्ग और थॉमस के द्वारा मुख्य रूप से, उसका जो नाम दिया गया था पी आउडेट एंड एट ऑल के द्वारा मुख्य रूप से दिया गया था। तो ये मुख्य रूप से आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब आप और हम लोग आते हैं डीएनए पैकेजिंग पर, ठीक है? देखिए, तो इतनी ये नॉर्मल जानकारी है, डीएनए पैकेजिंग से रिलेटेड ही है। ये नहीं कि आप सोचो कि सर अब पढ़ाना शुरू कर रहे हो, ये तो बकवास कर दी, ऐसा नहीं है। डीएनए पैकेजिंग की जो नॉर्मल जो नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने डीएनए मॉलिक्यूल तो देखा ही है सभी ने। देखिए, ये डीएनए मॉलिक्यूल होता है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि डायग्राम हैंड मेरा बहुत अच्छा नहीं है, अपने को डायग्राम से मतलब है कि मतलब समझ में आना आने से मतलब है। डायग्राम तो आप लोग जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम में बनाने हैं वो प्रैक्टिस करें। हम मैं कोई 12th के एग्जाम तो दे नहीं रहा, और नीट के बच्चों के लिए वो भी जरूरत नहीं है, या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो डायग्राम को, डायग्राम का ब्यूटीफुल होना आवश्यक नहीं है, डायग्राम का समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं समझी जा सकती, ये विशेष आप ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये मुख्य रूप से एक डीएनए थ्रेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए डीएनए थ्रेड का नेचर कैसा होता है। ये एसिडिक नेचर का होता है, नेगेटिवली फॉस्फेट की वजह से इस पर नेगेटिवली चार्ज पाया जाता है। तो यहां मैं लिख दूं कि ये किस नेचर का है, एसिडिक मॉलिक्यूल्स है और नेगेटिवली चार्ज है। अब स्वाभाविक है कि क्या यह है? थ्रेड मैंने जो कहा था कि ये जैसे रिले को थ्रेड को रैप करना है, तो ये क्या नेगेटिव के ऊपर रैप हो सकता है? क्या एसिडिक एसिडिक के ऊपर रैप हो सकता है? जी नहीं,
इसके ऊपर मुख्य रूप से जो ये जिसके ऊपर रैप होगा वह मुख्य रूप से बेसिक नेचर का होना चाहिए। कौन से नेचर का होना चाहिए? बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो वास्तविक तौर पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्या हिस्टोन प्रोटीन जिसको कह रहे हैं, यह हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर की होती है। वास्तविक तौर पर हिस्टोन कोई प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन कोई प्रोटीन नहीं है, ये जो है बेसिक प्रवृत्ति की दो मतलब है। मैं यहां अपने को काम है जिससे लाइसिन और आर्जिनिन, क्या आर्जिनिन, ये दोनों मिलकर हिस्टोन प्रोटीन बना रहे हैं। इन दोनों को सामूहिक रूप से मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन मुख्य रूप से कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। कैसे होते हैं पॉजिटिव? अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिक प्रोटीन होती हैं, बताइए आप लोगों ने मुख्य रूप से प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो आप प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में जाइए तो वहाँ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल तीन प्रकार की प्रोटीन बताई गई हूँ। तो उसमें से जो प्रोटीन है लाइसिन और आर्जिनिन मैंने ले ली, क्या उसमें से प्रोटीन ले ली, कौन सी, लाइसिन और आर्जिनिन वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से प्रोटीन ले ली। तो यही लाइसिन और आर्जिनिन प्रोटीन मुख्य रूप से हिस्टोन कॉल करते हैं, क्या कॉल करते हैं, हिस्टोन मुख्य रूप से कॉल करते हैं, यानी कि स्वाभाविक है। अब हिस्टोन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन हो गई, देखिए H1 हिस्टोन में मुख्य रूप से पांच प्रकार की प्रोटीन होती है। कितनी प्रकार की प्रोटीन होती है, पांच प्रकार की प्रोटीन होती है, H1 H2A H3H 2B H3 और H4 ये मुख्य रूप से चार पांच प्रकार की प्रोटीन हिस्टोन के अंतर्गत आती है। तो आप विशेष तौर पर देख लें कि यहां से यहां तक की ये जो प्रोटीन है यही प्रोटीन सिर्फ हिस्टोन में पार्टिसिपेट करती है, यानी हिस्टोन में मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन जो प्रोटीन है वह मुख्य रूप से H2A H2B H3 और H4 होती है। तो अब ये चार है हिस्टोन जो प्रोटीन है वह मुख्य रूप से हिस्टोन ऑक्टामर के रूप में जानी जाती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वह हिस्टोन ऑक्टामर के रूप में जानी जाती है। कैसे, इसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दो, इसके भी दो, क्या इसके भी दो, इसके भी मुख्य रूप से दो होते हैं और इसके भी दो, यानी कि ये कितने हो गए, आठ हो गए। तो इनको मुख्य रूप से एक साथ क्या कह दिया जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर, क्या कह दिया, आठ को ऑक्टामर कहते हैं और ये हिस्टोन में है, तो इस वजह से क्या कह दिया, हिस्टोन नाम दिया गया इनको, हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। अब हिस्टोन ऑक्टामर मुख्य रूप से ये प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है कि ये थ्रेड, ये जो डीएनए थ्रेड जिसको कहा जा रहा है, ये इस ऑक्टामर के ऊपर किस प्रकार से कॉइल बनाएगा, किस प्रकार से रैप होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप मतलब इसकी मैं डायग्राम के द्वारा इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, इस ऑक्टामर को देखिए, क्या सेंटर लेना है अपने को, चलिए हो गया सेंटर, कुछ नहीं, देखिए तो क्या करें कि आठ इसमें बन जाए, क्या करें कि आठ मुख्य रूप से बन जाए, देखिए या इस प्रकार से कंडीशन करते हैं, तो सोह एक दो तीन और एक इसके पीछे होगा, एक दो तीन और एक इसके पीछे होगा, स्वाभाविक है कि निश्चित तौर पर होते हैं। तो ये ऑक्टामर कंडीशन बनी, तो इस ऑक्टामर कंडीशन में मुख्य रूप से दो गोले इसके होंगे, दो गोले इसके होंगे, दो गोले इसके होंगे, दो गोले इसके होंगे, क्लियर, स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से ये ऑक्टामर की स्थिति बनी है।
इस ऑक्टामर में मुख्य रूप से इस ऑक्टामर में धागा जो ये डीएनए है वह इस प्रकार से कॉइल रहता है, इस प्रकार से कॉइल रहता है, ठीक है। ये इस प्रकार से कॉइल रहता है और ये यानी कि इस ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए थ्रेड लिपटा रहता है वह कॉइल कितना होता है, ये कंडीशन में रहता है, यानी दो से कम होते हैं, पूरे दो कॉइल नहीं होते हैं, दो अंटे नहीं रहते हैं कि दो बार मतलब एक डीएनए धागा यूं गया और फिर आकर वहीं हो जाए, तो दो पूरे के पूरे कॉइल नहीं होते, वह कॉइल की मुख्य रूप से कितने होते हैं, दो से कम होते हैं। विशेष तौर पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहां कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक में दिया है सिर्फ वही आज की कंडीशन में ऑथेंटिक बात है, आज की कंडीशन में वही ऑथेंटिक बात है। मैं क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूं, क्योंकि नीट के बच्चों के लिए मुख्य रूप से वही ऑथेंटिक बात है कि जो आज दे दिया है, कि जो आज दे दिया, चाहे किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आज के परिवेश की स्थिति में जो उस बुक्स में दिया वही नीट के बच्चों के लिए अथेंटिक है, वही बच्चों को रटना है। ये बात एक अलग है कि बच्चा लगातार दो साल तक तैयारी कर रहा हो, अगले साल जाकर वह चेंज हो जाए, तो बच्चे को वो चेंज जो नॉलेज है वह एक्सेप्ट करनी होगी। पिछली साल के ये बहस नहीं करेगा, सर पिछली साल की किताब में ये लिखा था और आज ये लिख दिया, अब इसमें से सही कौन सा, नो। ये मुख्य रूप से जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये एक साल बाद वीडियो उनके हाथ में पड़ी जाके, अब उसमें कहीं कुछ और चेंज आ गया जाके, तो वास्तविक तौर पर यह कहा जाए कि इसमें जो दो राउंड रहते हैं वो दो पूरे राउंड नहीं रहते हैं, दो से कम राउंड रहते हैं, इस वजह से मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया, दो से कम राउंड रहते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बच्चा जो जिस साल तैयारी कर रहा है और हर साल उसका मुख्य रूप से नया एडिशन आता है एनसीईआरटी का, तो उस साल की नॉलेज ही जो लिखा हुआ अक्षर तय उसी को बच्चा माना जाए, ना कि ये मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी। क्यों? क्योंकि ये आज के लिए है, ये आज के लिए, हो सकता है फिर साइंटिस्ट ने कुछ और नई खोज की तो उसके आधार पर कुछ और दे दिया, तो वहां वो चेंज हो जाता है। क्लियर? पहली बात ये आप ध्यान रख लें। तो इस प्रकार से ये अंटे होते हैं, तो देखिए ये आपकी ये लाइन, ये यानी कि ये जो ब्लू कलर के, ये जो मैंने अभी कहा था कि आठ ऑक्टामर, क्या आठ ऑक्टामर, एक दो तीन चार पांच छह, तो ये तीन है इनके पीछे एक है, ये तीन है इनके पीछे भी एक है, तो कितने हो गए, आठ हो गए कि नहीं हो गए। एस टू ए, एस टू बी, एस थ्री और एच फोर, दोनों के दो दो, दोनों के दो दो है, तो मुख्य रूप से चार दूनी आठ, इस प्रकार से। अब ये किस के है, नाम प्रोटीन का क्या दे चुके थे अपन, हिस्टोन नाम दे चुके थे, तो ये आठ है ऑक्टामर, तो इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, हिस्टोन ऑक्टामर के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। इस प्रकार से ये कॉइल रहते हैं। इस पूरे एक मॉडल को, एक मॉडल को जो कॉर्न बर्ग और थॉमस साइंटिस्ट थे 1947 में न्यूक्लियोसोम मॉडल नाम दिया था, न्यूक्लियोसोम मॉडल का प्रतिपादन जो किया था वह मुख्य रूप से कॉर्न बर्ग और थॉमस ने काम किया था, लेकिन नाम जो दिया था वह मुख्य रूप से पी आउडेट ने दिया था। किसने दिया था? पी आउडेट ने मुख्य रूप से ये न्यूक्लियोसोम नाम दिया था। अब आप और हम लोग एक डिटेल में आते हैं कि इसके ऊपर किस प्रकार से ये वाला इसको लपेटेंगे। देखिए तो स्वाभाविक है कि ये थोड़ा सा पास में बना दें, स्क्रीनशॉट लेते चल रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ये विषय ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड इस प्रकार से आ रहा है, देखिए ये इस प्रकार से लिपटा हुआ है, ठीक है। अब ये यूं गया, यूं गया, फिर ये इस प्रकार से डबल दो दो, मैंने कहा था ना दो पूरे कॉइल नहीं है, ये विषय ध्यान रख लेना कि आप के सर आपने तो दो दो बना, दो पूरे कॉइल मैं नहीं बना रहा हूं, क्या पूरे दो कॉइल नहीं है, इस स्थिति में आप देखेंगे तो क्लियर नजर आएगा, ठीक है ना। फिर
ये स्थिति रहती, तो यही स्थिति मुख्य रूप से क्या कहलाती है, डीएनए पैकेजिंग कहलाती। अर्थात जो रेड कलर का जो बनाया हुआ मैंने है, ये मुख्य रूप से क्या है, हिस्टोन है। यह क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। और इसके ऊपर डीएनए को क्या कर दिया गया, इसके ऊपर मुख्य रूप से डीएनए को क्या कर दिया गया, रैप कर दिया गया। डीएनए को क्या कर दिया गया, रैप कर दिया है। तो यानी ये जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को मैं देखिए अलग से बना रहा हूं, ये इस प्रकार से स्थिति बन रही है। ये तो इसको ये बना, ये क्या कहलाया गया, क्रोमेटिन थ्रेड कहलाया गया। ये कंडीशन तो स्वाभाविक है, ये क्रोमेटिन है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति आप देख रहे होंगे, वीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी क्रोमेटिन की एक तरीके से डेफिनेशन हो गई, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा कि मंगलसूत्र महिला पहनती है या मोतियों की माला पहनती है, तो उस धागे में मुख्य रूप से मोती पूरे रहते हैं। तो वही स्थिति हो गई कि ये धागा है और इसके ऊपर ये जो प्रोटीन है दिखाई दे रहे हैं, ये मुख्य रूप से क्या, मोती है, ये मोती। तो इस वजह से कह दिया गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ये बहुत अच्छा शब्द आया आपके लिए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये कंडीशन मुख्य रूप से। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यहां से यहां तक का ये जो भाग है, इस भाग को मुख्य रूप से क्या, ये एक यूनिट है, ये मुख्य रूप से डीएनए पैकेजिंग की एक यूनिट है, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियोसोम। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियोसोम। यानी यदि आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोसोम क्या है, आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोसोम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। क्या, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए को मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसी मॉडल का, यही मॉडल मुख्य रूप से जो प्रतिपादन किया था वो कॉर्नबर्ग और थॉमस ने 1947 में किया था, और नाम जो न्यूक्लियोसोम दिया गया था वो पी आउटडेट एंड ऑट एटॉल ने मुख्य रूप से दिया था। ये कंडीशन, यानी एक मॉडल, दो तीन मैंने आपके सामने न्यूक्लियोसोम बनाए हुए। अब स्वाभाविक है, इनके बीच में ये क्या, अभी से ध्यान रखें, अभी मैंने क्या कहा कि हिस्टोन प्रोटीन इस वाले रेड कलर के वाले भाग में, ये चार सिर्फ भाग है हिस्टोन प्रोटीन के, चार H2A, H2B, H3, H4 ने भाग लिया। अभी आपके सामने मुख्य रूप से H1 है, शेष बचा हुआ ये कहां चली गई, इसका क्या कोई रोल नहीं है। तो ये जो आपके क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर की, इसको लिंकर डीएनए कहा जा रहा है। इसको क्या कहा जा रहा है, लिंकर डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंकर डीएनए कहा जाता है। तो हाँ, एक चीज यहां बता दें कि ये जो न्यूक्लियोसोम है, इस न्यूक्लियोसोम में मुख्य रूप से जो बेस पेयर होते हैं वो 200 होते हैं। कितने होते हैं, इस न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बेस से ध्यान रखना, 200 बेस पेयर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब स्वाभाविक है, ये जो कंडीशन है, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम, भाई स्वाभाविक है कि मैं इसको भी इंडिकेशन कर दूं, यहां ये वाला भाग जो है यह न्यूक्लियोसोम ही है, ये वाला भाग। तो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले थ्रेड को क्या कहा जा रहा है, डीएनए लिंकर है। तो डीएनए और लिंक कर रहा है, तो उसको क्या कह दिया, डीएनए लिंकर के नाम से जाना गया। डीएनए लिंकर पर, मैं इधर अलग से बना रहा हूं कि डीएनए लिंकर पर प्रोटीन पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है, H1 है। डीएनए लिंकर पर भी एक प्रोटीन का अणु पाया जाता, उसी को कौन सी प्रोटीन कहते हैं, H1 हिस्टोन कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है, H1 हिस्टोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, H1 हिस्टोन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल में मुख्य रूप से, या ये कहा जाए डीएनए पैकेजिंग में, इतना पढ़ना है। यह मुख्य रूप से देखिए, ये डीएनए धागा जा रहा है, ये न्यूक्लियोसोम, यानी ये वाली स्थिति, ये जो है, ये जो प्रोटीन, इसके ऊपर मुख्य रूप से लप रहा है। तो उसी को क्या कह दिया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी एक छड़ के समान, मतलब धागा, धागा होता धागे के ऊपर जो मोती पुए रहते, तो वही स्थिति मुख्य रूप से क्या होती है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग के रूप में जानी जाती है। तो ये क्रोमेटिन धागे होते हैं, ये क्रोमेटिन धागे आपके न्यूक्लियस में डले हुए हैं। जैसे ही ये डिवीजन होगा, जैसे ही मुख्य रूप से डिवीजन होगा सेल का,
तो उस दौरान मुख्य रूप से जो न्यूक्लियस के जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, वो आपस में लिपटकर मुख्य रूप से वो आपस में लिपटकर एक संरचना बनाते हैं। इस प्रकार की जिनको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स में दो क्रोमेटिड थ्रेड पाए जाते हैं, दो क्रोमेटिड धागे मुख्य रूप से होते हैं। तो इस प्रकार से आपका बताया गया कि ये न्यूक्लियोसोम जो मॉडल डीएनए पैकेजिंग के लिए दिया गया था, तो ये है, यहाँ से देखिए बिल्कुल ये कंडीशन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विशेष तौर पर मुख्य रूप से। तो एक बार मैं फिर से मतलब बोल दूं कि क्रोमोसोम पर डीएनए के अरेंजमेंट को, जिसको आप और हम लोग क्रोमोसोम्स कह रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम्स पर डीएनए का अरेंजमेंट है। डीएनए का अरेंजमेंट मतलब ये डीएनए है, ये प्रोटीन है, दोनों को मिलकर क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम्स नाम दिया। तो उस प्रोटीन के ऊपर डीएनए इस प्रकार से कॉइल रहता है। विशेष ध्यान रखना, दो कॉइल पूरे नहीं होते मेरे भाई, दो कॉइल नहीं पूरे होते, ये इससे यहाँ स्पष्ट होगा। आप मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी में देख लें कि दो कॉइल नहीं दिखाई दिए जाएंगे और ना ही दो कॉइल लिखे। ये बात एक अलग है कि आगे कभी खोज हो जाए और दो लिख जाए, तो उस दौरान जो लिख के आ रहा है बुक्स में वही आपको याद करना, ये विषय ध्यान रखना, मैं जोर दे रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियोसोम में मुख्य रूप से कितने पाए जाते, 200 बेस पेयर पाए जाते, ये आपको ध्यान रख लीजिए। डीएनए लिंकर यानी दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको डीएनए लिंकर कहा जा रहा है। और डीएनए लिंकर पर जो मुख्य रूप से प्रोटीन्स पाई जाती है वह भी हिस्टोन प्रोटीन H1 टाइप्स की होती है। देखिए लिखा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, यानी न्यूक्लियोसोम में यदि कोई पूछे कौन से नंबर की हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, तो आप क्या बताओगे, H2A, H2B, H3, H4, ये चार प्रकार के, प्रत्येक के दो दो होते हैं, इस वजह से इसको मिलाकर ऑक्टामर नाम दे दिया गया। क्योंकि ये हिस्टोन के हैं तो इस वजह से इनको हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको मुख्य रूप से क्या तैयार करना है, डीएनए पैकेजिंग में मुख्य रूप से तैयार करना है, क्या डीएनए पैकेजिंग में इतना भाग तैयार करना है। तो अब यदि कोई ये पूछ रहा है कि सर इसमें डीएनए पैकेजिंग में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो यहां लगभग मुख्य रूप से बताए जाते हैं 50 से 70, कितने, 50 to 70 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 50 to 70, यहां बिल्कुल एग्जैक्ट 200 मैंने बेस पेयर कहा, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो बेस पेयर पाए जाते हैं वह कितने होते हैं, 50 to 70 बेस पेयर होते हैं। पहली चीज, एक बार मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, ये एसिडिक मॉलिक्यूल्स के रूप में जाने जाते हैं। अब एसिडिक से एसिडिक मॉलिक्यूल्स कभी जुड़ते नहीं हैं, कभी उसके ऊपर रैप नहीं होंगे, तो इस वजह से ये जो रैप होंगे वह बेसिक के ऊपर रैप होंगे। बेसिक कौन सी, लाइसिन और आर्जिनिन को ही मुख्य रूप से मिलाकर हिस्टोन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हिस्टोन नाम मुख्य रूप से दिया जाता है। और हिस्टोन जो है वह 5 प्रकार की होती है, H1, H2, H2B, H3, H4, क्या मतलब ये 5 प्रकार की होती है। लेकिन एक न्यूक्लियोसोम मॉडल में या न्यूक्लियोसोम में मुख्य रूप से जो पार्टिसिपेट करते वह है H2A, H2B, H3 और H4 ही पार्टिसिपेट करती है। लिंकर डीएनए के बीच में जो प्रोटीन्स पाई जाती है वह H1 टाइप्स की होती। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीट एग्जाम में किए जा सकते हैं क्या, और 12th के लिए ये डायग्राम, यहाँ से यहाँ तक का आप डायग्राम बना लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डायग्राम भी मुख्य रूप से पूछा जाता है 12th लेवल पर। 12th लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर स्टेट के लिए, या यदि विगत वर्षों में नहीं आया तो निश्चित आने के चांस है, और नीट के लिए तो स्वाभाविक है ही। विशेष तौर पर ये आप ध्यान रख लेना कितना क्या। तो अब मेरा क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, के क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले कि डीएनए पैकेजिंग का जो मॉडल था उस मॉडल का नाम क्या है, और वह मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, उस का जो नाम दिया गया, उस नाम में मुख्य रूप से उसका जो नाम दिया गया मॉडल का, तो उस मॉडल के नाम की यानी एक क्रोमेटिन की यूनिट जो है क्रोमेटिन की, तो उस क्रोमेटिन में मुख्य रूप से कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। ये चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसमें एक चीज और बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, कोई यदि ये पूछता है कि एक सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की लंबाई कितनी होती है, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपकी एनसीईआरटी में क्लियर लिखी हुई है कि
2.2 मीटर, कितनी होती है 2.2 मीटर होती है। तो स्वाभाविक है ये जो डीएनए पैकेजिंग की क्रिया अपनाई गई थी वो इसीलिए अपनाई गई थी। आप लोगों ने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी अधिक थी, लेकिन उसको स्मॉल नाम दिया है क्योंकि वह सरफेस एरिया कवर कम कर रही है। अब यदि ये सोच लीजिए 2.2 मीटर आप और हम लोगों की इतनी लेंथ नहीं है, तो ये फिर कैसे पाए जाएंगे? यदि इस प्रकार से लंबाई पाए जाए तो ये इस वजह से ऑक्टामर प्रोटीन के ऊपर मुख्य रूप से कॉइल रहते हैं, यानी रैप बनाए रहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना 2.2 मीटर। और न्यूक्लियस कितने साइज का होता है, इसका न्यूक्लियस का क्या डायमेंशन होता है, यह मुख्य रूप से सिर्फ ये क्या है क्रोमोसोम्स की। और न्यूक्लियस का क्या डायमेंशन होता है ये विशेष तौर पर देख लीजिए आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा है ये कंडीशन होती है। तो इस वजह से मुख्य रूप से इतनी अधिक लंबाई में होने के बाद इतने छोटे से न्यूक्लियस में ये थ्रेड डले रहते हैं, तो वह डीएनए पैकेजिंग के रूप में डले रहते हैं, यानी कि बिल्कुल पैक कर दिया गया है। अब कितनी लंबाई दिखाई देगी, तो ये डीएनए पैकेजिंग का एक रीजन है। क्या? डीएनए पैकेजिंग का एक ये रीजन है, क्योंकि मुख्य रूप से इतनी अत्यधिक लंबाई होती है किसी भी सेल्स की, क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पूरे शरीर में पाए जाने वाले सेल्स के क्रोमोसोम्स की ये लेंथ है, ये सिर्फ एक सेल्स के क्रोमोसोम्स की 2.2 मीटर मुख्य रूप से लेंथ है, इतनी अत्यधिक लंबी अपनी लंबाई भी नहीं है। तो इस कारण से ये डीएनए पैकेजिंग मुख्य रूप से गॉड गिफ्टेड दे दी गई। ठीक है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिससे ये भी आ जाएगा।